जेएस अधिकारी बनना बहुत लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन जेएस अधिकारी बनने का रास्ता बहुत ही संघर्ष से भरा होता है। लेकिन ये संघर्ष बहुत कम हो जाता है यदि हमें कोई मार्ग दिखाने वाला हो। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसी खास टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपकी राह की मुश्किलें कम कर देगी और आपको जेएस अधिकारी बनने में हमेशा मदद करेगी। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो टिप्स। नमस्कार, स्वागत है आपको मिशन जेपीएससी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। जेपीएससी की तैयारी करने से पहले इस एग्जाम की फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन रात पढ़ना, अच्छे कोचिंग जाना या सैकड़ों किताबें पढ़ना इस एग्जाम में सफलता की गारंटी नहीं है। सब टॉपर्स के इंटरव्यू ना सुने। तैयारी करने वाले उम्मीदवार सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे हर सफल व्यक्ति का इंटरव्यू बड़े गौर से सुनते हैं और उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत घातक साबित होता है, क्योंकि सफल व्यक्ति कभी भी पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई का तरीका नहीं बताता। वह हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, क्योंकि वह अपने आप को दूसरों से विशेष दिखाना चाहता है। हम जो देखते, सुनते और पढ़ते हैं वह हमेशा सही नहीं होता, इसलिए किसी की बात को सुनकर उस पर आंख बंद करके विश्वास मत करें, ना ही उसे कॉपी करें। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग इस परीक्षा में इतना कम स्कोर क्यों कर पाते हैं? ध्यान रखिए कि सिलेबस बनाने वाले ना तो मूर्ख हैं और ना ही आपके दुश्मन हैं। अगर आप कम स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस एग्जाम को समझ ही नहीं पाए हैं। कुछ समय से लगातार लोग जेपीएससी को एक बहुत ही मुश्किल और कठिन एग्जाम मानने लगे हैं, और इन सब के पीछे सबसे ज्यादा योगदान मार्केट फोर्सेस का है, ताकि डर कर आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें और सैकड़ों किताबें खरीदें। पर आजकल परेशानी ये है कि लोग केवल परीक्षा में अंक लाने के लिए पढ़ते हैं, कुछ सीखने के लिए नहीं। अगर आपको अपनी 12वीं तक की पूरी पढ़ाई याद है तो कोई भी आपको जेपीएससी क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। इस परीक्षा में आपसे वही पूछा जाता है जिसकी अपेक्षा एक सामान्य व्यक्ति से की जा सकती है। हर काम को करने से पहले अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं। जेपीएससी में सफलता पाने के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, इसलिए तैयारी का कोई तरीका सटीक नहीं है। आपकी नजर लक्ष्य पर होनी चाहिए, रास्ता अपने आप बनता जाता है। जेपीएससी ज्ञान की परीक्षा नहीं है। जेपीएससी में आपका ज्ञान नहीं जांचा जाता, बल्कि आप में वह काबिलियत देखी जाती है जो एक सिविल सेवक में होनी चाहिए। जो पढ़ते हैं वे आगे कभी काम नहीं आता। जेपीएससी की तैयारी के लिए आप जो भी विषय पढ़ते हैं और चयनित हो जाने के बाद वो कहीं काम नहीं आते। अगर कुछ काम आता है तो वह है आपकी स्किल्स, इसलिए यह परीक्षा आजकल ज्ञान की जगह व्यक्तित्व की परीक्षा बन गई है। जेपीएससी के किसी फॉर्म में आपसे ये कभी पूछा नहीं जाता कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है या आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, बल्कि यह पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है, क्योंकि आपकी हॉबीज ही आपके व्यक्तित्व की पहचान है। खुद को देखें कि आप बदलाव के लिए कितने तैयार हैं। सिविल सेवक बनने की चाहत रखने का अर्थ है आप अपनी वर्तमान पहचान बदलकर सिविल सेवक के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं। याद रखिए कि अगर आप अपनी इमेज बदलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्वयं में बहुत बदलाव करने की जरूरत है। क्या आप इन बदलावों के लिए तैयार हैं? जेपीएससी में आपका चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी भी विषय पर क्या नया सोच पाते हैं, और कुछ भी नया आप तब सोच पाते हैं जब आप अपना खुद का ऑब्जर्वेशन डेवलप करते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को तार्किक तरीके से लोगों के सामने रख पाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जो आपको जेपीएससी की तैयारी करने के टाइम ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए मिशन जेपीएस। नमस्कार।